ओ नीली छतरी वाले चलो हो गया इसका टाइम हो चुका। सुनो बच्चों का और अपना ख्याल रखना और सुनिए हाँ। आप भी ना ऑफिस जाने से पहले गैस बंद करके जाइएगा हाँ। और हाँ घर की सारी लाइट भी बंद करके जाइएगा। अरे बहू बेटा ये लाइट्स बंद हो जाएंगी तो हम कैसे देखेंगे? वही तो हुँ? अरे मतलब कितने इंस्ट्रक्शन दोगी तुम, बच्चे थोड़ी हैं हम, सब ठीक हो जाएगा जाओ तुम। अच्छा अरे मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना लेट हो रहा है। जा रही है अरे चलो 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 तुम लोगों को बस स्टॉप तक छोड़े चलो। हाँ चलिए। अरे सुनिए एक बात कहना भूल गई मैं, क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। अरे बहू बेटा आई पापा जी। माता जी को हमारा प्रणाम कहना। थैंक गॉड भगवान दास कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। थैंक गॉड मतलब तुम खुद ही भगवान हो और खुद को ही थैंक कर रहे हो। इसे कुछ हड़बड़ाए से लग रहे हो, कोई कांड वांड करके आ गए क्या? अरे मैं क्या कांड करूंगा भगवान दास। हो सकता है कि तुमने महिषासुर को फिर से वरदान दे दिया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ भगवान दास, सीरियस हूँ। सॉरी हुआ क्या बताओ? कुछ नहीं वो बॉबी बेटा जाते जाते एक इंस्ट्रक्शन देना भूल गई तुम्हें। इतना कुछ तो बोल के गई है वो, अभी क्या भूल गई वो? बस इतना भूली है कि पत्नी के घर पे ना रहने पर पराई स्त्री पर नजर मत डालना बस। ए, शिवाय हेलो। हाँ अरे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो यार, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? अरे नहीं पर मन बड़ा चंचल होता है भगवान दास। नहीं नहीं देखो शिवाय मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ भगवान दास। जब पत्नियां घर पर नहीं होती तो मर्द फिसल जाते हैं। लेकिन मैं मर्द नहीं हूँ। फिर ठीक क्या 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 ठीक है मतलब मैं इस तरह का मर्द नहीं हूँ। वैसे आत्माराम बेटा बिल्कुल ठीक कहता है। क्या मतलब सावधानी रखने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें यार? चलो ठीक है मैं सावधानी रखूंगा। बस मिल गई तुम्हारी आत्मा को शांति? आत्मा मतलब मिल गई तुम्हें शांति? अभी मैं जाऊँ ऑफिस, टेक केयर। नमस्ते, हम देवी हैं। प्रणाम देवी, धन्य हो गया हमारा घर जो आप पधारे। नहीं नहीं वो देवी नहीं, हमारा नाम देवी है, देवी दत्त। आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगा जैसे स्वयं देवी यहाँ आ गई हैं। प्यार की देवी हमें सब ऐसे ही कहते हैं। वो बहुत सुंदर है ना हम। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शक्कर। शक्कर है शक्कर? हाँ, शक्कर भी तो मीठी होती है ना। इट्स स्वीट, आई मीन यू आर स्वीट। हमें शक्कर चाहिए एक कटोरी भाई साहब। मैं अभी आपके लिए शक्कर लेकर आता हूँ, एक सेकेंड। ये लीजिए पूरा डब्बा ही रख लीजिए। पूरा डब्बा क्यों? आप नहीं चाहते हम यहाँ बार बार आए और आपसे बार बार शक्कर मांगे। सॉरी आप बैठिए मैं अभी लेप लेकर आता हूँ। लेप लगा लीजिए आराम मिलेगा। लगा दीजिए ना हा? भाई साहब ये तो मेहंदी है। क्या मेहंदी है? अरे हाँ सॉरी मैं अभी लेप लेके आता हूँ। वो जरूरत नहीं है, राहत है। आपके हाथों में तो जादू है, आप तो लाल हो गए। हाँ, अच्छा। आप बचपन से ही इतने गोरे हैं? जी, पैदाइशी गोरा हूँ। आप बहुत स्वीट हैं भाई साहब। आपके पति नहीं है? आई एम सो सॉरी। तो ये क्या किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट में निकल लिए? नो 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 नो, हमने शादी ही नहीं की। क्यों? आपके जैसा कोई मिला नहीं ना, और ऐसे वैसे से शादी कर भी नहीं सकते ना। बहुत सुंदर है ना हम। चलते हैं, फिर किसी चीज की जरूरत होगी तो शाम को फिर आएंगे। वैसे आप ऑफिस से कितने बजे आते हैं? 6 बजे। ओह, तो 7 साढ़े 7 बजे तक हम आएंगे। थैंक यू भाई साहब। हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। क्या हो गया मेहता साहब को? मेहता साहब, ये क्या हो गया? मतलब ये कैसे? वो क्या बताएं, पड़ोसन फिसल गई थी, फिर मैं उन्हें हाथों में संभाल कर गिरने से बचाया। अरे तो आपके हाथ टूटने चाहिए ना, ये आंख काली कैसे हो गई? तभी बीवी आ गई और उसे लगा कि मैं पड़ोसन को बाहों में झूला झुला रहा हूँ, उसने घूसा मार दिया। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ ये तो। अरे जो कुछ नहीं करता उन्हीं के साथ ये सब होता है, और जो बीवी के रहते हुए गर्लफ्रेंड घुमाते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मेहता जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। अरे पिंकी सिर्फ मेरी दोस्त है, वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड। हाँ, और हो भी तो क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं। अरे आजकल सब चलता है। क्या चलता है? बीवी के होते हुए कोई गर्लफ्रेंड हो, ये चलता है? हाँ, बीवी के रहते हुए गर्लफ्रेंड होना ठीक है। यही बता रहे थे तुम? नहीं सर, मैं तो ये शट अप, मैंने अपने कानों से सुना है, तुम सबको यही कह रहे थे। सर मैं कह नहीं रहा था, मैं तो पूछ रहा था। पूछ रहे थे? क्यों, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? नहीं सर, वो तो ये सर ये नहीं तो फिर पूछ क्यों रहे थे? अरे क्लाइंट तुमसे संभाला नहीं जाता, गर्लफ्रेंड संभालोगे? अरे बीवी के साथ साथ गर्लफ्रेंड को संभालना एक आर्ट है। इट्स एन आर्ट, यू नो। इसमें लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए कि राइट हैंड क्या कर रहा है, और राइट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड क्या। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। एंड मैं कह रहा था कि अरे मैनेजर होते हुए मैं गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोच सकता हूं, तो तुम सब कैसे सोच सकते हो, बताओ मुझे। वो पुरुषोत्तम जी की फाइल लेकिन मेरे कैबिन में अभी। अरे चौबे भैया। क्या? अरे सुनिए ना, इधर आइए यार। क्या हुआ? सुनो यार चौबे भैया, अरे आपको कुछ पता चला क्या? अरे अपना गणेशी है ना, गणेशी, ये भगवान निकल लिया। अरे नहीं यार, पड़ोसन के साथ भाग गया है। क्या? अरे वो लड़की तो कुमारी है, मतलब 7-8 साल छोटी है उससे। भगवान भैया, प्यार अंधा होता है, वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या अंधा होता है? गणेशी की शक्ल देख के लड़कियां भागती थी, यहाँ लड़की गणेशी के साथ भाग गई। अरे चौबे भैया, अपना अपना नसीब है। इधर देखो। क्या? कोई घास ही नहीं डालती। कैसी बेशर्मों जैसी बात कर रहे हैं आप, घर में भाभी के होते हुए ऐसे विचार रखते हैं? आजकल सब चलता है भगवान भैया, सब चलता है। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। अरे चौबे भैया, ये 40 पार की जो उम्र है ना, ऐसे ही होती है। कुछ भी बोलते हैं आप लोग। 40 पार की उम्र। अरे कहाँ खो गए चौबे भैया? हाँ, कहीं आपके भी दिल में कोई चक्कर वक्कर तो? क्या क्या बोल रहे हैं, पागलों जैसी बात कर रहे हैं। मैं अपनी बॉबी से बहुत प्यार करता हूँ। ये काम कीजिए अपना। 7 साढ़े 7 कहा था, अपर लिमिट तो हो गई, 7:30 बज गए, अब तो आना चाहिए ठीक से। आ गई, आई। अरे साधु साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपका मटुका प्रसन्न है तो आज कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बॉबी घर पे नहीं है ना, तो जाइए। अरे तो क्या हुआ साधु साहब, देखिए टिफिन लेके आए हैं। क्या? लेकिन आप अपना टिफिन हमारे घर पे क्यों खाएंगे? अरे भाई, बेबी ने स्पेशल आपके और चाचा जी के लिए, दोनों के लिए भेजा है। ओह अच्छा अच्छा, वैसा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अरे 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 भाई, गुड नाइट की क्या बात है? इतनी देर से आप बोर हो रहे होंगे तो हमने सोचा कि चल के जो है कंपनी दे दें। आइए बैठिए। ये तो बैठ गए, मर गया। अरे साधु साहब, आप तो कानपुर के इतने बड़े रंगबाज दरोगा हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए ना, जाइए। अरे लानत है साधु साहब हम पर, भाई कानपुर के दरोगा होके हम काम करेंगे? अरे आइए बैठिए। अरे आप बैठिए, आप भी मतलब कैसी बातें करते रहते हैं। क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है? भाई साहब, आप कौन है? हम पड़ोसन हैं, टैक्स भी भरते हैं और हमारा कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। अरे भाई होना चाहिए भाई, आप इतनी सुंदर हैं, 3-4 आदमी तो दिन में मार ही देती होंगी। जी, ये मेरे साधु साहब हैं, पापा जी और मेरे लिए खाना लेकर आए थे, जाइए अब। जी। ओ, हम तो डर ही गए थे, पुलिस देख के घबरा जाते हैं ना, वो हम सुंदर है ना। अच्छा, आपका परिचय क्या है? हम देवी दत्त। देखिए, हम हैं गोवर्धन दुबे, कानपुर के दरोगा हैं, बहुत रंगबाज दरोगा हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था ना, पाइपलाइन में शायद कुछ गड़बड़ है। अरे तो इसमें साड़ू साहब क्या कर सकते हैं भाई? अरे अभी हम किसी प्लम्बर को ऐसे उठवा लेते हैं। हम उठवा लेंगे, मतलब मैं बुलवा लूंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे आप घर जाइए ना, बेबी इंतजार कर रही होगी। अरे बेबी जो है फिल्म देखने गई है, हम 3 घंटे तक एकदम फ्री हैं। आइए देवी जी बैठिए, आप यहाँ बैठिए। देख रही हैं हम कितने बिजी हैं। हेलो हेलो, गोवर्धन दुबे बोल रहे हैं जी। आपको एक खबर देनी है। हाँ बताइए। आपके थाने में बम है। क्या बम? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कैसे पता कि हमारे थाने में बम है? क्योंकि बम मैंने रखा है। हेलो 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 हेलो, बम स्क्वाड, हेलो हेलो। कहे क्या? ये आपका फोन गए। ये कॉल आपने ही किया था ना भाई साहब? देखिए, आप जो कुछ भी बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ये भाई साहब बोलती है ना, तो थोड़ी टीस सी लगती है। ओके मिस्टर चौबे, तो आपने ये कॉल उन्हें भगाने के लिए क्यों किया था? वो आप हमारे साथ अकेले रहना चाहते हैं ना? नहीं। हाँ, वैसे सच कहे, हम भी आपके साथ अकेले बहुत वक्त बिताना चाहते हैं। डरा देते हो तुम। तुम क्यों डर रहे हो भगवान दास? तुम मनुष्यों के मन से हमारा डर तो खत्म ही हो गया है। ओहो क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़े क्रांतिकारी मूड में हो। हाँ भगवान दास, वो क्या है ना कि तुम सबने हमारी बातें सुनना बंद कर दिया है। अरे कौन सी बात नहीं सुनी यार? मैंने तुम्हें समझाया था ना भगवान दास कि बॉबी बेटा घर पर नहीं है, सावधान रहना, पराई स्त्री पर नजर मत डालना। शिवाय ये सब ना आजकल चलता है। आजकल चलता है मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब एक बीवी, एक गर्लफ्रेंड, सब। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं। शिवाय मेरा भी दिल है, मेरे भी अरमान है। बॉबी की तरफ तो देखो भगवान दास। अरे दिखती कहाँ है आजकल? आजकल तो सपने में भी नहीं आती। आजकल तो सपने में देवी आती है। अच्छे लक्षण है भगवान दास। क्या देवी आना? अर्थात तुम्हारा मन अभी भी पवित्र है। थोड़ी और भक्ति करोगे तो ये मन का भटकना कम हो जाएगा। अरे नहीं, वो देवी नहीं, काली माँ, दुर्गा माँ, संतोषी माँ नहीं, देवी देवी दत्त मोहल्ले में आई है। मेरे भाई मेरी बात। बस शिवाय सुबह सुबह यार प्रवचन मत शुरू करो। अभी जाने दो, उसे रास्ते में छोड़ना भी है। मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सुनो भगवान दास, बस यार बात सुनो तो सही। बहुत तेजी में जा रहे हो भगवान दास, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इतना आगे निकल जाओ कि लौट कर आना मुश्किल हो जाए। अरे भगवान भैया प्रणाम। हाँ ठीक है। आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों? अभी तो 8 भी नहीं बजे है ना। अरे यार मेरा ऑफिस है, मैं जितने बजे चाहूँ जाऊँ, तुम्हें उससे क्या है? तुम अपनी जलेबियाँ छानो ना। भैया आज टिफिन नहीं ले जा रहे हैं क्या? नहीं बॉबी नहीं है। हम भाभी को ले जाने का नहीं पूछ रहे हैं, हम टिफिन का पूछ रहे हैं, टिफिन का। यार बॉबी ही तो टिफिन बना के देती है, आज वो नहीं है इसलिए टिफिन नहीं ले जा रहा हूँ। और कुछ जाना है तुम्हें? भैया समोसे रख दे। अरे दुनिया भर की पंचायत करनी है तुम्हें, तुम जाके अपना काम करो ना यार। कहाँ रह गई देवी? दर्शन दो हमें भी, तुम्हें स्कूटर पर बैठाकर ऑफिस छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। दर्शन दो देवी। सेल्फ स्टार्ट है ना कि क्या मार रहे थे? हाँ पता है। जाइए बाय बाय। अरे मिठाई लाल, पापा जी से कह देना मैं मेन रोड के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा हूँ, हवा भी भरवाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ क्या हो गया भगवान भैया को सुबह सुबह? May I come in, sir? भगवान दास मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, इस महीने की तुम्हारी सेल्स बड़ी कमाल की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक फोन रिसीव कर लूं? हाँ लो लो, क्लाइंट का फोन तो उठाना ही चाहिए। हेलो। सेव कर लीजिए नंबर, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी नहीं मिलेगा। देखिए आप, सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। वो सुबह मैं आपके साथ आ नहीं पाई ना, पर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? शाम को आ रही हूँ आपसे मिलने, आपके घर, जल्दी आ जाइएगा। बाय बाय देवी। सॉरी बॉस के कैबिन में लड़कियों से इश्क लड़ाया जा रहा है। तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं लड़की नहीं है सर। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मेरी शक्ल के ऊपर बेवकूफ लिखा है ना। हाँ मैंने सुना था तुम्हें, तुमने कहा था बाय बेबी। तो ये लड़की हुई ना? लड़की नहीं औरत थी सर। बात तो एक ही हुई ना है? लड़की औरत, औरत लड़की एक ही बात है। नहीं आप समझे नहीं। हाँ। ये औरत थी, ये 60 साल की बूढ़ी औरत है, मेरी मौसी है। देवी, निर्मला देवी। मैं जाऊं काम करने? आसून बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। क्या बात है सैगल साहब, ये घर पे ही है, इसको तो बाहर भेजना पड़ेगा। भाई सैगल साहब का भी जवाब। पापा जी 6 बज गए। अरे तो क्या करें भाई, सुबह से लेकर शाम तक में 2 बार 6 बजते हैं। तो आप इवनिंग वॉक पे नहीं गए? आपको जाना चाहिए। आज नहीं जाएंगे, घुटनों में दर्द हो रहा है जरा। क्या? तो आप ऐसे लेटे हुए क्यों हैं? जाकर डॉक्टर को दिखाइए ना, ऐसे तो दर्द बढ़ जाएगा। अरे भाई ऐसा है कि हमारे डॉक्टर साहब गए दिल्ली, हमने फोन किया था तो उन्होंने फोन पे दवाई बता दी। तो दवा जाकर ले आइए ना। दवाई ले आए, कई बार जाएंगे दवाई लेने के लिए भाई? तो दवा खा लीजिए ताकि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए और आप इवनिंग वॉक पे जा सके। नहीं जाएंगे वॉक के ऊपर, वॉक पे जाइए, नाक पे दम कर रखा है। जाओ जाके चाय बना के लाओ। चलो चाहिए? वो हम शक्कर नहीं चाहिए। शक्कर भाई अभी तक नहाने का साबुन और वॉशिंग पाउडर तक तो ठीक था, अब आप लोग घर घर जाके शक्कर भी बेचने लगे क्या? पापा जी ये शक्कर बेचने नहीं आई हैं, ये हमारी पड़ोस में आई हैं, इनका नाम है देवी दत्त। थोड़ी शक्कर चाहिए थी मैम। शक्कर अभी लाते हैं। सॉरी वो मुझे पता नहीं था कि पापा जी घर पे हैं, वरना मैं आपको। हमारे घर में तो कोई भी नहीं है, पापा जी भी नहीं। जी आइए ना आज रात हमारे घर डिनर करते। लीजिए शक्कर, ये लीजिए। ये कटोरी वापस करने कब आइएगा? नहीं क्या है ना कि हमारे घर पे कोई रहता नहीं है आजकल, परिवार भी नहीं है ना, ताला रहता है, मैं भी बाहर चला जाता हूँ, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं 2-4 दिन में बहू बेटा आ जाएंगी, तब आप अपने इत्मीनान से अपनी सुविधा अनुसार कटोरी वापस कर जाइएगा शक्कर समेत। जी वो मैं कह रहा था कि क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर पे जाना है। अच्छा तो चलो चलते हैं, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अरे नहीं पापा जी मुझे जाना है डिनर पे, मैं आपके लिए डिनर बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, आप खा के सो जाइएगा, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा वेलकम। आपके घर की लाइट चली गई? बंद की है आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करने के लिए। डांस? हाँ कीजिए, शुरू कीजिए। क्या पिएंगे? जी मैं पीता नहीं। आप भी ना बहुत भोले हैं, इसलिए हमें बहुत पसंद है। हम जूस पीने की बात कर रहे थे। ओह खाना खा लेते ना पहले, क्या है घर पे पापा जी अकेले हैं। इतनी जल्दी? अभी तो रात शुरू हुई है, कुछ बातें आप कहेंगे, कुछ बातें हम करेंगे, और ये रात यही थम जाए। खा के करते हैं ना, क्या है खाली पेट मुझसे बात नहीं होती, एसिडिटी भी होने लगती है, फिर बाद में जूस पीते पीते बात कर लेंगे। ये भोलापन, किसी को भी प्यार हो जाए। क्या? एक सेकंड, सॉरी। हेलो। अरे भग्गू बेटा, अरे ये सब्जी में इतनी मिर्च डाली है कि खाई नहीं जा रही है। पापा जी फ्रिज में दाल पड़ी है ना, वो गरम करके खा लीजिए। अच्छा 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 ठीक है। इस रोशनी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हम हर रोशनी में अच्छे लगते हैं, वो हम सुंदर है ना। आप जब मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ चांदनी बिखर गई है। एक सेकंड सॉरी। हेलो। अरे भग्गू बेटा बिखर गई। अरे भगोना हाथ से छूट गया, सारी दाल जमीन के ऊपर बिखर गई। अरे पापा जी तो आप किसी और रेस्टोरेंट से फोन करके मंगवा लीजिए ना, वो घर पे पहुंचा देंगे। ठीक है सॉरी। अरे नहीं नहीं आप क्यों खिला रही हैं, मैं खुद खा लूंगा, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। थोड़ा बचपना भी तो जरूरी होता है प्यार में। प्यार में? सॉरी। हाँ प्यारेलाल का होटल तो बंद हो गया है। ए पापा जी तो किसी और होटल से मंगवा लीजिए। अब बेटा हमें और किसी होटल का नंबर नहीं मालूम है। अरे तो आप वहाँ जाकर खा लीजिए ना। बेटा जाए कैसे, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा खैर तू अपनी मीटिंग कर ले, मैं चना कुरमुरा होगा उससे काम चला लेता हूँ। पापा जी भी ना, पापा जी भूखे हैं। हाँ वो अब पापा जी भूखे हैं तो बेटे के गले से कैसे निवाला उतरेगा। नहीं वो हम समझ सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे, आप जाइए। मैं मतलब अब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, ऐसे डिनर तो होते रहेंगे। आज बहू बेटा की कीमत समझ में आ रही है। सो जाओ आत्माराम, आज भूखे पेट सो जाओ, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। क्या है पापा जी का, बताइए ये कमाल है पापा जी, मेरे अरमानों की चादर बिछाकर सो गए। सोए नहीं है भगवान दास, भूखे सो गए। भूखे? तो क्या करूं मैं, मतलब अपनी गोद में बैठा के उन्हें अपने हाथों से खिलाऊं? इन्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। बॉबी बेटा तुमसे बोल कर गई थी ना भगवान दास। हाँ तो किया तो, बाहर से खाना मंगाया तो उसमें कहने लगे कि मिर्ची ज्यादा है, फ्रिज में दाल रखी थी वो गिरा दी। अरे यार बच्चे थोड़ी हैं, बाहर जाके खा लेते, मतलब कुछ बना लेते। यानी कि यदि सारा काम पापा जी को ही करना है तो तुम्हारी जरूरत क्या है भगवान दास? कमाल है मतलब मैं सबकी जरूरतें पूरी करूं, मेरी जरूरत कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी खुशियां कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खुशियां किसमें भगवान दास? तेज रोशनी को छोड़कर उन टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों में। देखो तुम मेरे पर्सनल मामले में घुस रहे हो और जिसका असर इतनी जिंदगियों पर पड़ रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हारा पर्सनल मैटर है भगवान दास? हाँ लगता है। ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है। हाँ क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे यही कह रही है कि बग्गू बेटा तुम्हें जिसमें खुशी मिले ना तुम वही काम करो। यदि तुम्हारी अंतरात्मा ऐसा ही कहती है भगवान दास तो फिर ठीक है। एक सेकंड, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो शिवा। ऐसा नहीं है कि मैं बॉबी से प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो देवी के साथ अच्छा लगता है यार। मुझे सफाई देने की क्या आवश्यकता है भगवान दास? मैं कहाँ सफाई दे रहा हूँ, मैं क्यों दूंगा सफाई? भाई सफाई तो वो देते हैं ना जो गलत करते हैं। मैंने तो कोई कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं क्यों? कहाँ चले गए? शिवाय एक बार मेरी बात तो समझने की कोशिश करो यार। लगता है बग्गू आ गया। अरे बग्गू बेटा उठ गए, आ गया तू? हाँ कैसा रहा तेरा बिजनेस डिनर? डिनर करने ही कहा दिया आपने पापा जी। अरे इतनी बार कोई फोन करता है क्या? अब बेटा भूख बहुत जोर से लग रही थी और तू तो जानता है कि वो खाने के बाद दवाई भी खानी होती है। मैंने तुझे डिस्टर्ब किया ना, तेरा काम खराब किया ना बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी बेटा। नहीं नहीं ठीक है पापा जी, दवा ली आपने, ठीक है मैं आपके लिए खिचड़ी बनाता हूँ फिर आप दवाई ले लीजिएगा। अरे भगो बेटा। हाँ हाँ पता है मैं आपका सबसे अच्छा बेटा हूँ बस। हाँ नहीं वो तो तू है, मगर मैं ये कह रहा था कि खिचड़ी जलाना मत। अरे नहीं नहीं बेटा थोड़ी सी जल भी जाएगी ना तो भी चलेगा चलेगा, अब मैं ऊपर से खा लूंगा। बग्गू तुम वाकई में बहुत अच्छे बेटे हो, मतलब उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। जी चल थाने थाने चल, फिर वहाँ चल के तुम्हारी जो है ऐसी चर्बी निकालेंगे कि याद रखोगे जिंदगी में। साधु साहब अरे क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इसे? अरे इसकी पड़ोसन ने ये रिपोर्ट लगवाई है थाने में कि ये उसको जबरदस्ती भगा के ले गया था। तेरी तो अरे इसको तो हम इतना मारेंगे कि इसके दिल में क्या, गुर्दे में क्या, फेफड़ों तक में किसी दूसरी औरत का ख्याल नहीं आएगा। दूसरी औरत से याद आया, वो साड़ू साहब देवी जी कैसी हैं? कौन? अरे जिनके यहाँ पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, वो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? पता नहीं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? शायद हो गई होगी या नहीं हुई होगी। अरे चलिए ठीक है, हम ही पता करते हैं फिर। चल बेटा गणेशी, अब चल के तेरा थाने में जो है इसी खाल उधेड़ेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ भगवान दास, बहुत पीटे पीटे से लग रहे हो? लुकिंग हंग्री। हंग्री? एंग्री हाल है। सपने में भी जो देखता हूँ वो तुम्हें पता चल जाता है। यानी तुम सपने में पीटे हो बीडी? अरे हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो। अरे भग्गू बेटा। हाँ पापा जी। अरे बेटा हम ये कह रहे थे कि आज तुम ओवरटाइम मत करना। क्यों? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता है आजकल मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। पापा जी मेरी चोरियों से मेरे ओवरटाइम का क्या लेना देना? अरे भाई तुम्हारे फूफा जी बीमार हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ए फूफा जी के बीमार होने से मेरे ओवरटाइम का क्या लेना देना है? अरे भाई बड़े बेवकूफ हो तुम। हम उनको देखने के लिए उन्नाव जाएंगे, इसलिए ओवरटाइम मत करना और सही टाइम पे घर आ जाना। हाँ मैं समझ गया, आ जाऊंगा टाइम पे। और सुनो, और रात में बेटा कुंडी उंडी लगा के सोना ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अजीब आदमी है ये भी, घर में अकेला आदमी। आज रात को इसी घर को साफ कर दूंगा। आप? अरे आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? बीमार पड़ जाएंगी। वो हमारे घर की चाबी खो गई है। ओह, तो आप मेरे घर पे चलिए। किसी चाबी बनाने वाले को बुला लेते भगवान दास। अभी चाबी बनाने वाला दुकान बंद करके चला गया है। आप अंदर आइए ना भगवान दास। साइड से, साइड से। साइड से क्यों, सामने से क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आइए। क्योंकि सामने ईमान, जिसे लोग भगवान भी बोलते हैं। क्या हुआ? नहीं आप बहुत भीग गई हैं। वो राइट में मेरा बेडरूम है, आप वहां जाके कपड़े चेंज कर सकती हैं। अरे क्या बात है भगवान दास, घर जलाने की तैयारी कर रहे हो? घर जलाने की? क्यों? मतलब मैं घर क्यों जलाऊंगा? ये अलाव जला रहा हूं शिवाय। संभल कर मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि आग इतनी भड़क जाए कि तुम्हारे इस घर को ही जला दे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। दूर दूर कहाँ जा रहे हैं? पास आइए ना। कुछ बोलो ना। है? ये क्या करने वाला था मैं? बॉबी मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। है? कौन हो तुम? चोर। क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? अबे आप चोर हूँ तो चोरी करने ही आया हूँगा ना। चोबे जी, पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस है? हमें सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। अभी पुलिस को फोन लगाओगे ना तो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगा। अभी इधर ही। नहीं नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आज पहली बार हम किसी के घर से खाली हाथ लौट रहे हैं, समझे? लगे रहो, कैरी ऑन। अब तो करीब आइए ना। देखिए देवी, आप अपने घर जाइए। मतलब ये जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है ये गलत है। गलत है? तो हमेशा हमारे साथ अकेले रहने की कोशिश क्यों करते थे? क्या हम समझते नहीं कि आज आप हमें घर क्यों लेके आए? मैं बहक गया था। बहक गए थे? आप हमें इस तरह से नहीं ठुकरा सकते। सुंदर हैं हम। हाँ, बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। डरपोक हैं आप? हाँ, डरपोक हूँ मैं, जिसकी बीवी इतना ख्याल रखने वाली हो, जिसकी जवान होती हुई बेटी हो, उसे डरपोक होना भी चाहिए। देखिए, आपने जो किया ठीक नहीं किया, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। शाबाश भगवान दास कि तुमने सही समय पर अपने कदम पीछे ले लिए, अपनी मर्यादा को तोड़ा नहीं। दरअसल बॉबी घर पे नहीं थी ना शिवाय, इसलिए मैं बहक गया। भगवान दास, श्री राम भी माता सीता के हरण के बाद उनसे दूर रहे थे, पर उन्होंने कभी मर्यादा को नहीं छोड़ा, इसीलिए पूजे जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। वैसे शिवाय, अभी मैं देवी का क्या करूं? मतलब वो क्या अंजाम भुगतने की बात कर रही है? क्या होगा बताओ ना। पता नहीं भगवान दास, पर हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन लिखो। क्या? कि तुमने उसे धोखा दिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉबी बेटा को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। पड़ोसन फिसल गई थी, फिर मैं उन्हें हाथों में संभाल कर गिरने से बचाया, तभी बीवी आ गई और उसे लगा कि मैं पड़ोसन को बाहों में झूला झुला रहा हूं। उसने घूसा मार दिया। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? हम देवी, पड़ोस में रहते हैं, नए आए हैं। और आप कौन? जी, मैं इनकी पत्नी बॉबी। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें आपसे ही बात करनी थी। देखिए देवी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, प्लीज। क्यों ना करें, इन्हें भी तो आपकी असलियत पता चलनी चाहिए। क्या है इनकी असलियत? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि आपके पति बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर ऊपर वाले ने दुआ कबूल करी तो हम भी ऐसे ही पति चाहेंगे। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा शरीफ, सभ्य, अपनी बीवी से प्यार करने वाला इंसान नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। चलते हैं हम। वही तो मैं, मुझसे बॉबी मेरी बात तो सुनो। देखो मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने वही तो पहला ऐसा इंसान देखा जो अपनी तारीफ सुनने के बाद भी इतना परेशान होता है। यार जब मैं कह रहा हूं डरा ही दिया था तुमने। सॉरी, थैंक यू। मेरी बॉबी घर वापस आ गई। वही तो, बहुत याद आ रही थी आपकी मुझे, इसलिए तो एक दिन पहले चली आई। बच्चे तो 2 दिन के बाद आने वाले हैं। आपसे दूर रह के पता चला कितना प्यार करती हूँ आपसे। इस पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा पवित्र रिश्ता है जो प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिका है। यदि कोई पति इतना प्यार करने वाली पत्नी को धोखा देता है, उसका विश्वास तोड़ता है, तो वो अपराध नहीं है, पाप है, पाप।